खंडवा जिले के मुंदी नगर में रविवार को अशासकीय शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों का अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपेश ओझा ने बताया कि 12 माह से स्कूलें बंद हैं, शासन इनके बारे में नहीं सोच रही है। प्रशासन प्राइवेट स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार बंद करे और पहली से आठवीं तक के विद्यालयों के बारे में भी प्रशासन विचार करे, और अगर शासन के कानों में जू नहीं रेंगती है तो हम मार्च के बाद अधिवेशन में एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। जब प्रशासन आंगनवाड़ी खोल रहा है तो फिर प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं खुलवाई जा रही? क्या आंगनवाड़ी से छोटा बच्चा आता है विद्यालय में? प्रशासन को प्राइवेट स्कूलों पर भी विचार करना चाहिए। इस आयोजन में नगर के अशासकीय शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के अलावा पूरे प्रांत के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। मजहब किस संबंध में आज बैठक के संबंध में और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज जो बैठक रखी गई है उसमें दोनों में 21 मार्च को मानस भवन में जो प्रांतीय अधिवेशन है उसके आयोजन के विषय के बारे में खंडवा में एक बृहद बैठक रखी गई है। प्रांत कार्यकारिणी, प्रदेश के समस्त जिलाध्यक्षों की और खंडवा जिले की एक बड़ी बैठक रखी गई है। साथ ही विद्यालय संचालन में आ रही शासन स्तर पर परेशानियों के लिए भी चर्चा की जाएगी। जी, आपका परिचय? प्रदेश अध्यक्ष दीपेश ओझा, मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था सह। इस संस्था द्वारा प्राइवेट स्कूलों को क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या फायदा हो सकता है इस संस्था द्वारा? फायदा यह है कि अभी वर्तमान दौर में पहली से आठवीं तक के शासन ने स्कूल मई तक बंद कर दिए हैं, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्हीं स्कूलों को तकलीफ है। करीब करीब 12 माह से विद्यालय बंद है, शासन उनके बारे में सूद नहीं ले रही है, 3 साल का आरटी का पैसा बकाया है। वर्तमान में जो इन्होंने निःशुल्क बच्चों की लाइन खोली है वो भी 21-22 की खोली है। तो हमारी ये मांग है कि शासन प्राइवेट स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार बंद करे और पहली से आठवीं तक के विद्यालयों के बारे में, निजी विद्यालयों के आईटी के फीस प्रतिपूर्ति के बारे में भी विचार करे, तत्काल भुगतान करे। अभी तक स्कूलें पूरी तरीके से खुली नहीं है, तो क्या आगे आपका संगठन धरना प्रदर्शन करके स्कूल खुलवाएगा? हमारा प्रयास यही है कि अगर शासन के कान में जू नहीं रेंगती है तो हम मार्च के बाद अधिवेशन में एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि जब शासन आंगनवाड़ी खोल रहा है तो फिर प्राइवेट स्कूल को क्यों नहीं खोल रहा है? क्या आंगनवाड़ी से छोटा बच्चा विद्यालय में आता है? हमारा शासन से प्रश्न है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।